नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम एक ऐसे चरित्र के बारे में बात करने वाले हैं जो नारी के लिए बहुत ही मायने रखता था। जी हाँ, द्रौपदी की जिंदगी के बारे में और कैसे पांच पांडवों के साथ द्रौपदी ने कैसे मनाई होगी सुहाग रात। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आपने मेरे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएँ हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। महाभारत के बारे में सभी जानते हैं। महाभारत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि महाभारत अपने अंदर कई सारे ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। ऐसा ही एक रहस्य पांच पांडव एक पत्नी द्रौपदी की सुहागरात को लेकर भी है। आज हम आपको द्रौपदी की सुहागरात के बारे में बताने जा रहे हैं। द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वह द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी के लिए स्वयंवर किया था, जिसमें अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। अर्जुन ने जिस समय द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाया था, उस समय पांच पांडव भाई अपनी पहचान छिपाकर अपनी मां कुंती के साथ ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते रहते थे। अर्जुन पत्नी द्रौपदी को लेकर अपने घर पर आए थे। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर मां कुंती से कहा कि देखो, हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से मां कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, पांचों भाई मिलकर आपस में उपभोग करो। कुंती सहित पांचों पांडव भाई बहुत ही सत्यवादी थे और अपनी मां के मुंह से निकली हर बात को एक आदेश की तरह पालन किया करते थे। वो उसे अपना धर्म समझते थे और इस तरह से अपनी मां की ये बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उसके बाद जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वो भी आश्चर्य में पड़ गई। तभी मां कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी के साथ कोई अनर्थ ना हो और हमारी मुंह से निकली बात भी झूठी साबित हो जाए। लेकिन जब किसी भी तरह से इस समस्या का रास्ता नहीं निकला तो राजा द्रुपद भी काफी परेशान हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के पांच पति की बात तो नहीं हो सकती है। तब महर्षि व्यास बताते हैं कि द्रौपदी को पूर्व जन्म में ही भगवान शंकर ने ऐसा ही वरदान मिला था कि इस तरह से द्रुपद अपनी बेटी को पांचों पांडव से शादी कर देते हैं। इस तरह कुंती की एक एक करके पांचों पांडवों से शादी करा दी जाती है। आपको बता दें कि सबसे पहले द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ था। उस रात द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ अपनी पत्नी धर्म निभाई। दूसरे दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ था और उस रात उन दोनों ने सुहागरात मनाई और इसी तरह से बाकी भाइयों ने शादी की और अपनी अपनी सुहागरात मनाई। अब आप सोच रहे होंगे कि द्रौपदी ने अपने पांच पतियों के साथ कैसे अपनी पत्नी धर्म का निभाया होगा। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे भगवान शिव का वरदान था। भगवान शिव जानते थे कि कोई भी स्त्री पांच पतियों के साथ कैसे अपनी धर्म को निभा सकती है, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाए। और इसी वजह से द्रौपदी ने अपने पत्नी धर्म को निभाया। इस तरह द्रौपदी ने एक एक करके अपने पति धर्म को मनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी सबसे ज्यादा प्यार किससे करती थी? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। द्रौपदी सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से किया करती थी।
अर्जुन के साथ ही द्रौपदी का स्वयंवर सबसे पहले राजा द्रौपदी के घर हुआ था। द्रौपदी के इसी प्रेम की वजह से वो स्वर्ग जाते जाते आधे रास्ते में सबसे पहले मर गई थी, क्योंकि वो पांचों पांडवों को समान प्रेम नहीं करती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी जो थी पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी ने कैसे मनाई होगी सुहागरात, ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएँ आप सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल अध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इसको और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और शेयर भी। दोस्तों, मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अध्यात्मिक कहानियाँ।